नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी कर रहे हैं सर्वदलीय बैठक। हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजे हो रहे हैं आज घोषित। आज नौसेना दिवस पर पीएम मोदी ने जवानों को दी बधाई। पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। आज बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना की स्थिति पर पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक जारी। कोरोना के मद्देनजर वर्चुअल बुलाई गई है ये बैठक। कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। ट्वीट कर कहा, हमें आशा है कि आज सर्वदलीय बैठक में पीएम ये स्पष्ट करेंगे कि हर भारतीय को मुफ्त कोरोना वैक्सीन कब तक दी जाएगी। हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजे आज हो रहे हैं घोषित। शुरुआती रुझानों में भाजपा बहुमत के पार तो तीसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। आज नौसेना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को दी बधाई। कहा, निडर होकर रक्षा करने वाली सेना को शुभकामनाएं। भारत में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज। अब तक कोरोना के 90 लाख से अधिक मरीजों ने कोविड-19 को दी मात। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,594 नए मामले सामने आए। 1 जनवरी से कर्मचारियों के लिए बिना वेतन अवकाश कार्यक्रम को बंद करेगी इंडिगो एयरलाइन ने राजस्व में सुधार की उम्मीद में की है ये घोषणा। आरबीआई ने कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट की बढ़ाई लिमिट। 1 जनवरी से लोग कर सकेंगे 5,000 रूपए तक का ट्रांजैक्शन। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। केंद्रीय बैंक के फैसले से झूमा शेयर बाजार। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के मद्देनजर तीसरे चरण का मतदान जारी। मतदाताओं में देखने को मिल रहा है खासा उत्साह। आरबीआई की घोषणाओं से शेयर बाजार में गजब का रफ्तार। सेंसेक्स पहली बार 45,000 के हुआ पार। निफ्टी में भी देखने को मिली उछाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अगले सोमवार से मेट्रो ट्रेनों के संचालन के समय में होगी बढ़ोतरी। यात्रियों को यात्रा में होगी आसानी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर की टिप्पणी। कहा, राहुल गांधी में लगती है निरंतरता की कमी। किसान आंदोलन के बीच बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, प्रदेश के किसानों का धान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी लेकिन बाहर वाला फसल लाकर मध्य प्रदेश में बेचने का प्रयास करेगा तो उसे भेजा जाएगा जेल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा आज। आरएसएस की 5 और 6 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में पटना में बुलाई गई है बैठक। थल सेना को तीसरे डिप्टी चीफ के पद की मिली मंजूरी। सूत्रों के माने तो इसके तहत गवर्नमेंट सेक्शन लेटर जारी हो गया है। यूपी में शिक्षक क्षेत्र की 4 सीटों के नतीजे घोषित। लखनऊ में भारत के उमेश द्विवेदी ने दर्ज की जीत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और किसानों को एमएसपी समाप्त करना चाहती है क्योंकि सरकार की मंशा कॉरपोरेट के हाथों किसानों को बंधक बनाने की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जा रहा है पहला T20 मैच। वनडे सीरीज गंवाने के बाद T20 सीरीज को जीतने के मकसद से उतरी है टीम इंडिया। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम का पोस्टर जारी। एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं आदित्य राय कपूर। दिसंबर के मध्य प्रदेश में भारत के दौरे पर आएंगे नेपाल के विदेश मंत्री। दोनों देशों के बीच एक अहम बैठक में लेंगे हिस्सा। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।